हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था जनजातीय आंदोलन, जिसमें अपने जनजातीय आंदोलन के कारणों के बारे में पढ़ चुके थे। अब अपने आज अपना न्यू टॉपिक शुरू करना है, इसी के अंतर्गत सन्यासी विद्रोह या सन्यासी आंदोलन। देखो, सन्यासी लोग जो थे वो धार्मिक यात्राओं के लिए जाने जाते थे। अपने सबसे पहले सन्यासी आंदोलन का कारण करेंगे कि इस स्पेशलिस्ट आंदोलन का क्या कारण था कि सन्यासियों ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो जो सन्यासी लोग थे, सन्यासी लोग कृषि के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी करते। अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, एक तो इनसे कठोरता से कर वसूला गया, दूसरी ओर जो ये धार्मिक यात्राएं करते थे, इन धार्मिक यात्राओं पर पाबंदियां लगा दी गई और कर लगा दिए गए, जिस कारण सन्यासी लोगों ने क्या किया, इसका जो उन्होंने नियम बनाए थे उन नियमों का क्या किया, विरोध किया। यात्राएं करते थे जब सरकार द्वारा उनकी यात्राओं पर पाबंदियां लगाई गई तो सन्यासियों ने इसका भरपूर विरोध किया। ये तो था बच्चों इस आंदोलन का कारण कि सन्यासी लोग कृषि के साथ साथ धार्मिक यात्राएं करते थे। अंग्रेजी सरकार ने कृषि पर तो कर लगाए रखा था, इसके अलावा इनकी धार्मिक यात्राओं पर कर भी लगा दिए और इन पर पाबंदियां भी लगा दी, जिस कारण जो सन्यासी लोग थे इन्होंने इन अंग्रेजी नियमों का, जो अंग्रेजों ने कट्टरता से लागू किए थे सन्यासियों पर, इनका भरपूर विरोध किया और इस प्रकार जो सन्यासी आंदोलन था उसका प्रारंभ हो गया। अब देखो बच्चों, इसके अंतर्गत हुआ क्या कि बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण होने के कुछ ही समय बाद, जब बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया उसके कुछ ही समय बाद 1769-70 ईस्वी में वहां अकाल पड़ा। क्या हुआ? अकाल। अब अकाल पड़ने से जो वहां के लोग थे उनके उपज पर प्रभाव पड़ा, दूसरी ओर जो कंपनी के पदाधिकारी थे, अकाल पड़ा और जो कंपनी के पदाधिकारी थे, वे जबरन कर वसूल कर रहे थे। यहां तक तो ठीक था, कोई बात नहीं थी, लेकिन जो सन्यासी लोग थे, सन्यासी जनजाति थे, उन्होंने सन्यासियों द्वारा किए जाने वाली धार्मिक यात्राओं पर भी पाबंदियां लगा दी। अंग्रेजों ने सन्यासियों द्वारा की जाने वाली धार्मिक यात्राओं पर पाबंदियां लगा दी। जिसका जो भरपूर विरोध है वो किसने किया? सन्यासी लोगों ने इसका भरपूर विरोध किया। देखो बात है बच्चों, इसमें सन्यासी जो लोग थे वो अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा थी। सन्यासी लोग थे वे अन्याय के विरुद्ध भरपूर, या अन्याय का अपने कह सकते हैं, भरपूर सामना करते थे। सन्यासियों की अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा थी। सन्यासियों ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया और जो ये अंग्रेजी नियम थे इन नियमों का भरपूर विरोध किया था। इन्होंने आम जनता के साथ मिलकर कंपनी की कोठियां व जो कंपनी के फौज थे उन पर आक्रमण किए। सन्यासियों ने आम जनता से मिलकर
आम जनता से मिलकर मिलकर अंग्रेजों का भरपूर विरोध किया, भरपूर विरोध किया और उनकी कोठियों व कोशों पर आक्रमण किए, कोशों पर आक्रमण किए। अंग्रेजों ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन सन्यासियों ने अंग्रेजों का वीरता से सामना किया, या फिर कह सकते हैं सरकार ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, जिसका वीरता से उन्होंने सामना किया। वीरता से सन्यासियों ने सामना किया, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा एक अभियान किया गया, और उस अभियान के अंतर्गत जो सन्यासी आंदोलन या जो विद्रोह था उसे दबा दिया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा एक अभियान किया गया, वह आंदोलन को दबा दिया गया, देखो बच्चों, आंदोलन भरपूर हुआ, लेकिन अंत में जो सन्यासी थे उसके अंतर्गत किसी प्रकार की कोई कामयाबी नहीं मिली। सन्यासी ने उनका भरपूर विरोध किया, आम जनता ने भी सन्यासियों का साथ दिया, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने एक अभियान चलाया और उस अभियान के अंतर्गत जो सन्यासियों का विद्रोह था उसे दबा दिया गया। अब जो सन्यासी विद्रोह की जो जानकारी वो हमें कहाँ से मिलती है? जिसकी जानकारी मिलती है आनंद मठ से। किससे मिलती है? आनंद मठ से। आनंद मठ ये किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। अपने कह सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का हमें विवरण प्राप्त होता है। तो बच्चों आज अपने ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं सन्यासी आंदोलन। आप इसे लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।